वेलकम टू बैंकर्स व्यू पावर बाय IBC। आज हम RRB PO क्लर्क के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि उसकी प्रिपरेशन कैसे करें। तो आपको तो पता होगा प्री में मैथ एंड रीजनिंग, क्वांट एंड रीजनिंग दो पेपर होते हैं प्री में, एंड मेंस में मैथ रीजनिंग इंग्लिश जनरल अवेयरनेस कंप्यूटर अवेयरनेस पांच सब्जेक्ट होते हैं और प्री में दो होते। प्री में 80 क्वेश्चन होते, 80 मार्क्स होते, 45 मिनट टाइम होता है। ओके, मतलब लगभग जो हमारा नॉर्मल पेपर होता है जो मैथ रीजनिंग इंग्लिश का, उतना ही टाइम मैथ रीजनिंग के लिए होता है। बस वहाँ पे मतलब ऊपर के 5 मिनट ज़्यादा हो जाते हैं, बस मतलब 22 मिनट होते हैं मैथ रीजनिंग के लिए RRB PO क्लर्क के प्री में। ठीक है, तो हम पहले मैथ से स्टार्ट करेंगे कि मैथ की प्रिपरेशन कैसे करें। मैथ में पहले सबसे पहले आपको कंसेप्ट अच्छे से टॉपिक वाइज पढ़ना है आपको स्टार्टिंग में, और कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करने और ज़्यादा शॉर्ट टर्म के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि कंसेप्ट एकदम क्लियर हुए कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। आप कंसेप्ट से हेल्प होगी, बेसिक स्ट्रांग करो पहले आपका, कैलकुलेशन वहाँ मैटर करेगा बहुत ज़्यादा। क्योंकि प्री में तो 15 सिंप्लीफिकेशन आ जाते हैं, अरबी क्लर्क के प्री में 15 सिंप्लीफिकेशन होते हैं और PO के प्री में 10 होते हैं सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन। ओके, देन नंबर सीरीज होती है, डाटा इंटरप्रिटेशन होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं, देन जो DI होता है, DI भी बहुत इजी होता है। उसमें प्री लेवल में DI में क्या क्या होता है, पाई चार्ट, टेबल, एवरेज परसेंटेज रेशो, इन टॉपिक वेज DI होता है। मतलब आप वहाँ पे इजीली 40 में से 25 मार्क आप ले सकते हो इजीली, आपको वहाँ से कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा। क्योंकि देखो, सपोज हम क्लर्क की बात करेंगे, क्लर्क में 15 सिंप्लीफिकेशन, 5 नंबर सीरीज, 5 मार्क के नंबर सीरीज 20, एक DI 25 मार्क्स, देन बाकी 15 वर्ड प्रॉब्लम। वैसे PO में लगभग 10 आएंगे सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन दोनों मिलके 10, देन 5 नंबर सीरीज 15, रॉन्ग नंबर सीरीज भी आ सकती है और मिसिंग नंबर सीरीज भी आ सकती है 15, देन वहाँ पे 2 DI रहेंगे, 2 से 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, उसमें एक कैसलेट रहेगा और 2 टेबल बेस हो सकते हैं, मतलब 25-30, देन बाकी के वर्ड प्रॉब्लम। और DI कुछ टफ नहीं होते, DI में मैंने जैसे बताया आपको परसेंटेज एवरेज रेशो इनके बेस होती है, या पाई चार्ट होता है, डिग्री बेस होता है, परसेंटेज बेस होता है, बस बाकी इतना कुछ वहाँ पे टफ नहीं होगा। मतलब आप मैथ में 25 तक आप इजीली मार्क्स ले सकते हो, या तो आप आपके एवरेज रेशियो, पार्टनरशिप, इन टॉपिक से भी आप 2-3 मार्क, मतलब 28-29 तक आप जा सकते हो 40 में से इजीली। ओके, तो आप ऐसे मैथ के लिए जैसे मैंने बोला कि आपको टॉपिक वाइज करना है, जो वर्ड प्रॉब्लम प्री में आते हैं, प्री में तो इजी लेवल के वर्ड प्रॉब्लम आते हैं, एक मिनट में एक क्वेश्चन करना है आपको, 1 से 1.5 मिनट तक एक क्वेश्चन आपको करना होता है प्री में। और जो वर्ड प्रॉब्लम हो गए प्री में, तो आप सोच रहे होगे कि प्री में तो इतने कम वर्ड प्रॉब्लम आते हैं, उससे अच्छा हम वर्ड प्रॉब्लम ना ही करें तो ये अच्छा है। पर अगर आप पहले से ही आप सब टाइमिंग एक टॉपिक लिया, हमने टाइमिंग एक टॉपिक किया, आपने वर्ड प्रॉब्लम अच्छे से प्रिपेयर किए, तो मेंस में उसका टाइम एंड वर्क टॉपिक पे डाटा इंटरप्रिटेशन 5 मार्क के लिए आ सकता है। वैसे स्पीड टाइम डिस्टेंस, बोटन स्ट्रीम, ट्रेन, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, इन सब टॉपिक पे मेंस पे डाटा इंटरप्रिटेशन आते हैं 5-5 मार्क को। ओके, तो मतलब ये सब मेंस के लिए बहुत आपको मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक। ओके, वैसे RRB की मेंस भी इतनी डिफिकल्ट नहीं होती, पर वहाँ पे तो भी हम वहाँ पे चांस ले सकते कि पहले से प्रिपेयर रहना अच्छा है, बाद में पछताने से अच्छा पहले से आपने अच्छे से प्रिपरेशन की तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो आपने डेली 2 आवर मैथ की पढ़ाई की ना, मैथ की प्रिपरेशन डेली 2 आवर की, 2 आवर भी सफिशेंट है। पहले आपको पहले टॉपिक वाइज पढ़ना है, ओके, कैलकुलेशन की ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, देन उसके बाद आपको आप सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट, आप सपोज पूरी मॉक टेस्ट एक दिन में नहीं दे सकते, आप सेक्शन वाइज दे सकते हैं, आज एक सेक्शन दिया, कल दूसरा, देन उसके बाद प्रॉपर एनालिसिस करना है उसका। ठीक है, देन रीजनिंग में तो वैसे पजल्स क्लर्क के इसमें तो 40 में से RRB क्लर्क में से 40 में से 20 मार्क्स तो पजल आएगी ईजी लेवल, छोटी छोटी पजल आएगी प्री में, देन RRB PO में 25 मार्क तक पजल आएगी। ठीक है, बाकी मिसलेनियस टॉपिक, बाकी टॉपिक से आप इजीली मार्क्स ले, पहले आप बाकी टॉपिक से इजीली मार्क्स ले सकते हैं, कौन से टॉपिक होते हैं, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन सेज, ब्लड रिलेशन, देन अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज, ये सब बाकी टॉपिक होते हैं, इनसे आप इजीली मार्क आप ले सकते हो पहले, देन बाद में आप पजल सिटिंग अरेंजमेंट
कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि क्लर्क में 15 टू 20 मार्क्स को पजल सिटिंग टेस्ट में आएगी 40 में से, और पीओ में 25 मार्क्स मैक्स को पजल सिटिंग टेस्ट में आएगी 40 में से। ओके, तो डेली आप दो से चार पजल सिटिंग टेस्ट में आप डेली करना है आपको, दो प्री लेवल की, दो मेंस की। प्री की पजल तो छोटी छोटी होती है, ईजी होती है प्री की, पर वो जल्दी हमें आनी चाहिए। उसके लिए अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। ओके, अंडरस्टैंडिंग अच्छी हुई तो आप वहाँ पर पजल सिटिंग अप इजीली कर पाओगे। बाकी रीजनिंग के टॉपिक तो इजी होते हैं, बस पजल सिटिंग है आपने स्ट्रांग कर ली, उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई, तो आप रीजनिंग सेक्शन में इजीली आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। अब जितनी पजल सिटिंग करोगे उतना आपको फायदा होगा, क्योंकि उससे से आपको मार्क इजीली, वहाँ से आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। मेंस में तो मैक्सिमम पजल ही पूछते हैं, बाकी तो इतने बाकी कोडिंग डिकोडिंग इनपुट आउटपुट ऐसे टॉपिक कुछ होते हैं, वो भी मतलब उसमें भी आप कर सकते हैं स्कोर, पर पजल में ज़्यादा वेटेज पजल को होता है, मेंस में पजल सिटिंग अरेंजमेंट को। तो डेली आप दो प्री लेवल की या दो मेंस लेवल की पजल आपको लगानी है, डेली करना है वो। ओके, तो उसकी आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। रीजनिंग ये पूरा मतलब हमारे दिमाग के ऊपर, हम कैसे सोचते हैं, इमेजिंग कैसे करते हैं, वहाँ पे मतलब पजल सिटिंग में पॉसिबिलिटी कितनी बनती है, और हम क्यों इतनी पॉसिबिलिटी क्यों ले रहे हैं, वहाँ पे गलती किस में हो रही है, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। आप जैसे क्वेश्चन करोगे, ज़्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करोगे, तो आपकी वैसे ही मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आपका स्पीड बढ़ेगा। ओके, तो डेली आप एक सेक्शन, सपोज एक प्रिपरेशन होने के बाद, अच्छा सा प्रिपरेशन होने के बाद आप सेक्शन वाइज टेस्ट देना आप दे सकते हो। डेली एक रीजनिंग की दो, दूसरे दिन मैथ की दो, पर प्रॉपर एनालिसिस करो, ठीक है, और कंपेयर करो कि हमारा पिछले स्कोर कितना था, अब स्कोर कितना हो रहा है, हमें कहाँ गलती हो रही है, इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत हमें कहाँ पे, इन सब चीज़ों के आप फोकस करो। ओके, और जो भी करें वो टाइम के साथ करो। एक क्वेश्चन भी कर रहे हो पजल का, तो उसके लिए टाइम लगाओ, 5 मिनट 10 मिनट, मेंस लेवल का हुआ तो 10 मिनट, प्री का हुआ तो 5 मिनट, क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। जैसे लास्ट ईयर का पेपर था पीओ का, बहुत इजी था, मतलब क्लर्क का बहुत इजी था, उसका कट ऑफ गया था ओबीसी कैटेगरी का महाराष्ट्र का 69.25, और ओपन का भी वैसे कुछ होगा, एक मार्क ज़्यादा होगा, 70 तक होगा ओपन कैटेगरी का, लास्ट ईयर का अरबी क्लर्क का। और पीओ का था 56 ओपन ओबीसी का महाराष्ट्र का कट ऑफ था, मतलब वहाँ पे आपको 70 मार्क्स लाने हैं क्लर्क के पेपर में, तो 75 तक अटेम्प्ट होने चाहिए, गुड अटेम्प्ट 70 to 75, तो गुड अटेम्प्ट। पीओ में आपके 60 to 65 में गुड अटेम्प्ट थे लास्ट ईयर के, तो आपको 56 मार्क्स तक आप आ सकते हो, ठीक है। वैसे यहाँ पे आपने जो अरबी का पेपर होता है उसमें इंग्लिश नहीं होता, इसलिए मैथ रीजनिंग में जो किया मतलब मैक्सिमम उसके चांसेस होते ही वो सही होता है, आपने सॉल्व करके किया है तो अच्छे से, वहाँ पे मतलब नेगेटिव कोई चांसेस नहीं होते। इसलिए जो भी स्टूडेंट यहाँ पे सब गुड अटेम्प्ट 65 हो, तो 65 में से एक दो रॉन्ग हो सकते हैं, तीन रॉन्ग हो सकते हैं, मतलब मैक्सिमम वहाँ पे हमारे आंसर सही होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश नहीं होता प्रिय। इसलिए जिसका इंग्लिश में प्रॉब्लम है उसके लिए अरबी पीओ क्लर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मेंस में भी आप इंग्लिश के अलावा हिंदी ले सकते हो, वहाँ पे ऑप्शन है हिंदी और इंग्लिश, दोनों में से आप कुछ भी ले सकते हो मेंस में, पर हिंदी भी इतना ईजी नहीं है। ओके, नहीं तो सब लोग तो हिंदी लेते, इतना ईजी होता तो वो ना, उसके लिए भी रीडिंग अच्छे से होनी चाहिए। नहीं कोई भी लैंग्वेज हो वहाँ पे रीडिंग अच्छे से होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देन हम लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे, इंग्लिश हिंदी। जैसे मैंने बोला वहाँ पे रीडिंग बहुत ज़रूरी है, बहुत सारे स्टूडेंट है जो इंग्लिश के लिए डेली मतलब वोकैब लर्न करते, रूल लर्न करते, बहुत सारी बुक्स पढ़ते, ऑनलाइन क्लासेस देखते, फिर भी उनका इंग्लिश इंप्रूव नहीं होता, मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट का यही प्रॉब्लम है। बहुत कम लोग हैं जिनका इंग्लिश अच्छा है, मैक्सिमम लोगों का बहुत प्रॉब्लम होता है इंग्लिश की, वहाँ पे नेगेटिव ज़्यादा होते हैं उनके, इसलिए कभी कभी तो कट ऑफ भी नहीं क्लियर होता, सेक्शन कट ऑफ भी नहीं होता, उसके वजह से भी बाकी मैथ रीजनिंग में मैथ रीजनिंग की वजह से ओवरऑल कट ऑफ क्लियर होता है, पर इंग्लिश का सेक्शन कट ऑफ न होने की वजह से वो फेल हो जाते हैं। तो मुझे लगता है ऐसे इंग्लिश के लिए आपने ना रीडिंग पे आपके पहले फोकस करना चाहिए। ओके, रीडिंग में फोकस रहा तो आप बाकी आप इजीली वहाँ पे मतलब आप वहाँ पे अच्छा स्कोर कर सकते हो, अच्छा मतलब कट ऑफ क्लियर कर सकते हो, या 50% तक स्कोर कर सकते हो, जिसका वीक है उसके लिए या तो एवरेज है, क्योंकि 50% स्कोर की इंग्लिश में बहुत अच्छा है, क्योंकि मैथ रीजनिंग में आप बाकी कवर कर सकते हो ओवरऑल के लिए, इंग्लिश में 50% स्कोर भी अच्छा है, जिसका इंग्लिश वीक या तो जिसका एवरेज है। ओके, उसके लिए आपको रीडिंग पे फोकस करना है। जैसे आप इंग्लिश में सपोज आपको ग्रामर में प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप ग्रामर की जगह वहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, देन
देन पैराजम्बल देन सेंटेंस रीअरेंजमेंट, इन सब टॉपिक पे भी आपने फोकस किया ना तो भी आपका अच्छा स्कोर हो सकता है। ओके आप इजीली आप अच्छा स्कोर कर पाते हैं अगर आपने इस टॉपिक पे अच्छे से फोकस किया तो। ओके ग्रामर अगर आपको टफ जा रहा है तो आप इन सब पे फोकस कर सकते हैं। ग्रामर भी मतलब जितना आप रीडिंग करोगे उतना आपको ग्रामर में समझेगा हाँ इस लाइन में ये प्रॉब्लम है। आप कितना भी रूल लर्न करो, कितनी भी आपने बुक पढ़ो तो भी मतलब आपकी रीडिंग ही आपको लैंग्वेज में आपको इम्प्रूवमेंट करनी है कोई भी, तो आपको रीडिंग ही वहाँ पे आपको रीडिंग की वजह से वो वहाँ पे आप इम्प्रूवमेंट ले सकते हो। जैसे आपने डायरेक्ट हिंदू का एडिटोरियल पढ़ना स्टार्ट किया तो हिंदू पेपर की डिफिकल्टी कुछ ज़्यादा है, उससे अच्छा आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हो। वहाँ पे लैंग्वेज थोड़ी इजी होती है इंडियन एक्सप्रेस में, ठीक है आप वहाँ से मतलब एडिटोरियल पढ़ सकते हो डेली बेसिस पे, ज़्यादा नहीं बस हाफ आवर फिर 20-30 मिनट आप डेली एडिटोरियल पढ़ोगे तो भी आपको उसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा होगा। जो स्टूडेंट पास हुए उन्होंने कोई भी ग्रामर के मतलब जिनके अच्छा स्कोर आता है वो ग्रामर के रूल कभी लर्न नहीं करते, वो रीडिंग पे फोकस करते हैं, न्यूज़पेपर रीड करते हैं या तो वो फिल्टर लैस क्लोज टेस्ट यहाँ से भी आपकी मतलब रीडिंग यहाँ से भी आप रीड करके फिल इन द ब्लैंक्स में क्लोज टेस्ट में आरसे में वहाँ भी आपकी रीडिंग की प्रैक्टिस होती है एंड वोकैबुलरी भी आपको पता चलती है। ओके तो वोकैबुलरी स्पेशली करने की ज़रूरत नहीं है सेपरेट, आप रीडिंग करके आपको वर्ड मिलते हैं आप तुरंत सर्च कर सकते हो। देन वैसे भी आप ये सब होने के बाद आप डेली मतलब एक दो क्विज भी आप दे सकते हो इंग्लिश के लिए, या तो 30 मार्क का जो पेपर है पी का उसमें उसके वो बाकी सब पेपर के लिए 30 मार्क का भी आप 20 मिनट में 30 मार्क का पेपर दे सकते हो, या तो छोटी छोटी क्विज होती है जो 15 मिनट में 10 मिनट की वे भी आप दे सकते हो, वहाँ से भी आपको फ़ायदा होगा, आपकी ओकैब इंप्रूव होगी, आपकी रीडिंग की हैबिट बढ़ेगी। ठीक है देन जनरल अवेयरनेस के लिए आपको क्या करना है, जनरल अवेयरनेस में पिछले 4 to 6 मंथ का करंट अफेयर आपको अच्छे से करना है और डेली बेसिस पे पढ़ना बहुत ज़रूरी है उसके लिए। डेली आपने 1 आवर डेली 45 मिनट टू 1 आवर आपको डेली करना है जनरल अवेयरनेस कुछ भी हो जाए, क्योंकि जनरल अवेयरनेस स्कोरिंग सब्जेक्ट है उसमें आप टाइम पे पढ़ोगे। सपोज आपका पी होने के बाद या तो आपका रिजल्ट लगने के बाद आप पढ़ोगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करना होगा, क्योंकि 5 सब्जेक्ट होते हैं मैथ्स में आरआरबी के, मैथ रीजनिंग इंग्लिश जनरल अवेयरनेस कंप्यूटर नॉलेज, कंप्यूटर नॉलेज भी आपको वहाँ पे पढ़ना होगा, मतलब आपके प्रेशर आ जाएगा आप पे और इतना सब पढ़ना है पी 4-5 महीने का लास्ट के 6 महीने का पढ़ना मतलब बहुत ज़्यादा न्यूज़, 1 महीने की 400-500 न्यूज़ होती है तो 3,500 न्यूज़ आपको पढ़नी है तो उसमें बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा आपको आप टाइम पे पढ़ोगे तो। इससे अच्छा पहले से आप पढ़ते रहो और ज़्यादा सोर्स से मत पढ़ो, मतलब ज़्यादा एक ही वेबसाइट दो एक दो वेबसाइट पे आप बेस रहो, एक दो ऐप से ही पढ़ो, मतलब ज़्यादा आप पढ़ोगे इस पे जाओगे उस ऐप पे जाओगे इस वेबसाइट पे क्वेश्चन लोगे उस वेबसाइट लोगे मतलब ज़्यादा हो जाएगा वो, मतलब यहाँ पे याद रहना भी ज़रूरी है ना टाइम पे। आप दो जगह से दो ऐप से पढ़ो, पीडीएफ से दो कोई भी दो ऐप दो वेबसाइट से वहाँ से आप क्विज लगाओ, वहाँ से आप पीडीएफ लो, वहाँ से आप पढ़ो, ज़्यादा आपने ज़्यादा जगह गए आप 4-5 जगह गए तो वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे वो और आपको याद भी नहीं रहेंगे, वहाँ पे कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, इसलिए आप कम जगह से पढ़ो पर अच्छे से याद रहना चाहिए, वो टाइम पे हमें याद आना चाहिए ये ज़रूरी है। ठीक है और अभी प्री आरआरबी पीओ क्लर्क की उसमें प्री में आपको यहाँ पे मैथ रीजनिंग ज़्यादा देता है, मैथ रीजनिंग को ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि यहाँ पे मैथ रीजनिंग ही है बस प्री में ना, प्री पास होगे तो आप मेंस को पहुँचोगे ना, तो यहाँ पे मैथ रीजनिंग को ज़्यादा टाइम देना है आपको, अभी दिन में ज़्यादा से ज़्यादा मैथ रीजनिंग को टाइम दो क्योंकि मैथ रीजनिंग ही है प्री में बस। देन आप आधा घंटा इंग्लिश ले सकते हो, आधा एक घंटा इंग्लिश को 45 मिनट टू 1 आवर 60 मिनट आप जीए को दे सकते हो। देन कंप्यूटर तो मतलब कंप्यूटर को 30 मिनट दिए तो भी चलेगा डेली, ठीक है। और आपको कुछ डाउट हुआ कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा क्या और भी आपको कहाँ पे सब आपको कहे किसी चीज़ में डाउट हो रहा है आपको प्रॉब्लम हो रही है कि हाँ इसमें मेरा मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट में, आपको रिप्लाई दे दूँगा। ओके चलो फिर मैंने आपको पूरा बताया कि कैसे करना है प्रिपरेशन मैथ रीजनिंग इंग्लिश जनरल अवेयरनेस का और कितना टाइम देना है।
2 hour math, 2 hour reasoning, then general awareness, English, डेली सभी सब्जेक्ट करो, या तो मैथ एक दिन और बाकी सब सब्जेक्ट, मैथ मैथ जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज, देन इंग्लिश, दूसरे दिन रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, मतलब एक अल्टरनेट आप मैथ रीजनिंग ले सकते हो, ओके पर वो ज़्यादा टाइम उनको देना है अभी, क्योंकि प्री में वही आने वाला है, ठीक है। और पेपर कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं होता अरबी का, पर वहाँ पे स्पीड मैटर करता है, कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए। जो अरबी की प्री होती है जो उसे बोलते हैं मैथ की, उसको न्यूमेरिकल एबिलिटी बोलते हैं अरबी की क्लर्क प्री, और जो अरबी पीओ की प्री होती है उसे बोलते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है। जो अरबी की प्री होती है उसमें आपको मैथ में 30 से 35 स्कोर करना होगा आपको पास होने के लिए, देन पीओ के इसमें 25 to 30 स्कोर करना होगा आपको, देन वैसे ही रीजनिंग में आरआरबी में 40 में से 35 अबो आपको करना होगा, और पीओ में आपको 30 तक करना होगा, 25 to 30, तो आपका पेपर आपका हो जाएगा क्लियर। और डिफिकल्टी लेवल इतनी कुछ नहीं होती, बस आपको अच्छे से करना है और वहाँ पे एकदम रिलैक्स होके जाना है पेपर को, और रिलैक्स होके पढ़ना भी है, थोड़ा कम पढ़ा तो भी चलेगा, पर क्वालिटी होनी चाहिए पढ़ाई में, आपको वो टाइम पे आना चाहिए, ओके। आपको ऐसे मॉक टेस्ट आप दोगे या क्विज लगाओगे तो आपको उससे आइडिया आएगी, आपको मतलब कितना आपसे कितना स्कोर हो रहा है, आपको कहाँ पे ज़रूरत है और इम्प्रूवमेंट करने की, कहाँ आप लैक, कहाँ पे आप कम पढ़ रहे हो, आपको ये क्विज से और मॉक टेस्ट से आइडिया आएगा, ठीक है। और बाकी भी आप जो पढ़ रहे होगे उसे टाइम के साथ पढ़ो, वर्ड प्रॉब्लम कर रहे होगे या सिंप्लीफिकेशन कर रहे होगे, 5 मिनट में 10 सिंप्लीफिकेशन होनी चाहिए, नंबर सीरीज भी 3 मिनट में 5 नंबर सीरीज होनी चाहिए, देन डाटा इंटरप्रिटेशन भी आप जो भी कर रहे हो आप टाइम लगा के करो, आपको बेनिफिट होगा, 100% बेनिफिट होगा टाइम से करोगे तो, ओके। चलो फिर आज के लिए बस हो गया इतना, ओके। कुछ डाउट हुआ तो मुझे पूछो कमेंट में, ओके। चलो थैंक यू।